भोपाल में संगठन चुनाव और सक्रिय सदस्यता को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है और बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। वहीं संगठन चुनाव अधिकारी विवेक शेजवलकर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह कार्यशाला में मौजूद रहे। बैठक में बूथ स्तर, मंडल स्तर, जिला और प्रदेश स्तर पर संगठन चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं बीजेपी की इस बैठक में बिना विधायक निर्मला सप्रे शामिल हुई, जिसने अब सियासी गहमा गहमी और भी तेज कर दी है। चूंकि हम कह रहे हैं कि ये सारी चीजों का पर्दा मैं बहुत जल्दी उठाऊंगी, जनता के हित में, बिना के हित में लूंगी। अच्छा मैडम, अभी सदस्यता चला दो तो आपने बीजेपी की सदस्यता ली कि नहीं? अभी मेरी खुद की सदस्यता कहाँ हुई? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि आखिर निर्मला सप्रे किधर, यानी कि किस पार्टी में। अब आपको जरा समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कांग्रेस क्या चाहती है और निर्मला क्या चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि निर्मला सप्रे विधायक पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव के बाद से उनकी नजदीकी भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पर दिख रही थी। लेकिन निर्मला क्या चाहती है? निर्मला ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें बाहर निकाल दे। और हालांकि ये भी कांग्रेस चाहती है कि बिना विधानसभा सीट पर दोबारा उपचुनाव हो अगर वो वहां अपनी सदस्यता छोड़ देती है, लेकिन निर्मला ये चाहती है कि उपचुनाव ना लड़ना पड़े, बिना सदस्यता लिए ही वो बीजेपी के साथ बनी रहे। तो क्या ये मुमकिन है? और ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, आखिर ये असमंजस की स्थिति क्यों बनी है? अब आगे इसका क्या रिजल्ट होगा? और जो अच्छी खबर की बात कर रही है निर्मला सप्रे, आखिर वो अच्छी खबर क्या है? सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आज संगठन की बहुत बड़ी बैठक थी भोपाल में, लेकिन आकर्षण का केंद्र नहीं निर्मला सप्रे, असमंजस की स्थिति अब भी बरकरार है कि भाजपा की है कि कांग्रेस की, और अच्छी खबर की वो बात कर रही है। आखिर ये अच्छी खबर क्या है, और वाकई क्या ये अच्छी खबर मुमकिन भी है? किसके लिए होगी अच्छी खबर, भाजपा के लिए या कांग्रेस के लिए? देखिए, निर्मला सप्रे इस्तीफा कब देगी इस पर सस्पेंस बरकरार है। और निर्मला सप्रे के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना है। जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की जो याचिका है, उस पर जो है फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से निर्मला सप्रे को नोटिस जारी हुआ था, और उसका जो जवाब है वो निर्मला सप्रे ने विधानसभा को दे भी दिया कि उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी प्रकार का दल बदल नहीं किया। और उसके तुरंत बाद, मतलब इस पूरे घटनाक्रम के बाद, आज निर्मला सप्रे बीजेपी दफ्तर में बैठक में दिखाई दी। तो फिर एक बार ये चर्चा उठी है कि निर्मला सप्रे आखिर है किसके साथ। वो विधायकी छोड़ना नहीं चाहती है, दूसरी तरफ वो जो कांग्रेस का जो मुद्दा है, कांग्रेस का जो नोटिस है, उसका जवाब उन्होंने दे दिया कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई दल बदल नहीं किया। तो स्थिति अब असमंजस में ये है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो गुड न्यूज़ है क्या? क्या निर्मला सप्रे इस्तीफा देने वाली है, या फिर उनकी जो मांग थी बीना को जिला बनाने की, वो मांग पूरी होने वाली है? क्योंकि निर्मला सप्रे ने जो दामन भाजपा का थामा था, वो सिर्फ यह कहकर थामा था कि बीना को जिला बनाया जाएगा, और यदि बीना को जिला बनाने की घोषणा बीजेपी करती है तो वो बीजेपी वो अपने पद से इस्तीफा दे देगी। ये अब इस्तीफा उनका अभी तक नहीं हुआ है, अब वो कह रही कि गुड न्यूज़ आने वाली है। उनसे जब हमने सवाल किया कि आप किसकी विधायक है, तो कह रहे मैं जनता की विधायक हूँ। ये तमाम सवालों के जवाब के बीच अब निर्मला सप्रे के इस्तीफे का जो है सस्पेंस है कि आखिर वो इस्तीफा देगी, या फिर ठीक इसी तरह के जो पिछले विधानसभा में जो कुछ उदाहरण रहे हैं, चाहे वो हम सचिन बिरला की बात कर लें, जो कांग्रेस के विधायक थे और जो बीजेपी में का दामन थाम चुके थे चुनाव के दौरान, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया, और दो साल तक वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर दिखाई दिए, लेकिन वो कांग्रेस के विधायक के तौर पर सदन में बैठते हुए दिखाई दिए। वो विधायकी कांग्रेस की कर रहे थे और बीजेपी के मंचों पर दिखाई दे रहे थे, बीजेपी की बैठकों में दिखाई दे रहे थे, बीजेपी के कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे थे। तो क्या ठीक निर्मला सप्रे भी इसी तरह अपना चार साल का जो कार्यकाल है, निर्मला से ही सुर में सुर मिला रही है निर्मला सप्रे? बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अभी इंतजार करना होगा अच्छी खबर की वो बात कर रही है, और ये गुड न्यूज कब आती है, किसके लिए होगी, सबकी नजर इस पर टिकी हुई, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक।